जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। नवरात्रि के दौरान अगर पीरियड आ जाए तो क्या करना चाहिए, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। 2023 में नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है। घट स्थापना होगा आपका 15 अक्टूबर दिन रविवार, और 16 अक्टूबर को द्वितीया, 17 अक्टूबर तृतीया, 18 अक्टूबर चतुर्थी, 19 अक्टूबर पंचमी, 20 अक्टूबर षष्ठी, 21 अक्टूबर सप्तमी, 22 अक्टूबर अष्टमी, 23 अक्टूबर महानवमी और 24 तारीख को दशमी यानी कि दशहरा का त्यौहार मनाया जाएगा। आज हम इस वीडियो पर जानेंगे कि नवरात्रि के पहले अगर आपको पीरियड आ जाए तो क्या करना चाहिए, घट स्थापना वाले दिन अगर आपको पीरियड आ जाए तो क्या करना चाहिए, और नवरात्रि के बीच में ही अगर आपको पीरियड आ जाए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नवरात्रि से पहले अगर पीरियड आ जाए तो क्या करना चाहिए। अगर आपका पीरियड नवरात्रि से पहले आया है और आपका 5 दिन नहीं हुआ है तो आप घट स्थापना नवरात्रि जैसे महापर्व नहीं कर सकती हैं, आपको यह स्थगित करना पड़ेगा। अगर आपका 5 दिन हो गया है तब आप 5वें दिन से माता रानी की पूजा कर सकती हैं, पर आपको निराश नहीं होना है। नवरात्रि के पहले और आखिरी दिन वाले आप पूजा कर सकते हैं, जिसमें कि आपको पूजा का उतना ही फल मिलेगा जितने कि नवरात्रि के 9 दिनों का मिलता है। अब हम जानेंगे कि नवरात्रि के बीच में ही अगर आपका पीरियड आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है और आपके चतुर्थी या पंचमी तिथि हो रही है और आपको पीरियड आ गया है, इस दौरान आप घबराए नहीं। आपके घर में जो भी बड़े होंगे, जो भी पूजा करने वाले होंगे, वो आपके लिए पूजा कर देंगे। आपको पूजा का कोई भी सामान नहीं छूना है, मन ही मन माता रानी का जप करते रहना है। आपको पूजा का उतना ही फल और लाभ मिलेगा जितना कि आप तन से पूजा करती। मन की पूजा का लाभ तन की पूजा से अधिक माना गया है। अब हम जानेंगे कि घट स्थापना वाले दिन अगर पीरियड आ जाए तो क्या करना चाहिए। मान लिया जाए हमने घट स्थापना कर लिया है और हमें पीरियड आ गया, तो इस दौरान हमें पूजा स्थगित कर देनी चाहिए। अपने नज़दीकी पंडित से संपर्क कर पूजा को आप स्थगित कर सकती हैं। नवरात्रि से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे भी जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।